दोस्तों, बीते कुछ सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि समय समय पर कई आईएएस आईपीएस अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, जबकि इस पद तक पहुंचने के लिए वे काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि देश की जिस सबसे बड़ी और रसूख वाली सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना हर युवा देखता है, उसको अफसर बनने के बाद वे छोड़ क्यों देते हैं? कड़ी मेहनत से नौकरी हासिल करने के बाद एक झटके में इस्तीफा दे देने के पीछे असल वजह क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसे बहुत से आईएएस आईपीएस हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की, जॉब भी मिली, लेकिन फिर कुछ समय सेवा देने के बाद नौकरी छोड़ दी। इन नामों की लिस्ट में शामिल है डॉक्टर तनु जैन, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, आईपीएस राजन सिंह और रोमन सैनी। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिविल सेवा ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, अब उन कारणों को जान लेते हैं जिनकी वजह से सिविल सेवक अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। नंबर एक, बेहतर संभावना की तलाश में भी नौकरी छोड़ते हैं अफसर। आपको बता दें कि 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी राजन सिंह ने 2005 में पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया के एक एमबीए स्कूल में दाखिला लिया। वहां से पढ़ाई करने के बाद राजन सिंह ने अपनी ऑनलाइन कंपनी शुरू की। इसी तरह से 1982 बैच के आईएएस अधिकारी परवेश शर्मा ने 34 साल की नौकरी के बाद वॉलंटियरी रिटायरमेंट ली। नौकरी छोड़ने के बाद 2016 में उन्होंने सब्जियों और फलों की रिटेल चेन खोली। उन्होंने किसानों को सीधे कंज्यूमर प्रोवाइड करने का काम शुरू किया। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें बेहतर संभावनाओं की तलाश में आईएएस जैसे बड़े सरकारी पदों पर बैठे लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी। दूसरी अहम बात है कि चाहे देश की सबसे बड़ी नौकरी ही सही, लेकिन ये है तो नौकरी ही, इसमें बाकी नौकरियों की तरह तनाव और प्रेशर भी है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आईएएस की नौकरी में भी होता है तनाव और प्रेशर। कुछ सिविल सेवक बताते हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने के लिए की, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उन्हें नौकरी के समय करनी पड़ती है। उनके पास खुद के लिए समय नहीं बच पाता। काम के प्रेशर और उससे होने वाले तनाव के कारण वे नौकरी छोड़ देते हैं। नंबर तीन है, बड़ी नौकरी के अपने जोखिम हैं। दोस्तों, आईएएस सबसे बड़ी नौकरी है, लेकिन इसके अधिकारियों को भी नेताओं और मंत्रियों से दबकर काम करना पड़ता है। कई बार इसी के दबाव को झेला नहीं जाता और अधिकारी नौकरी छोड़ देते हैं। आईएएस सबसे बड़ी नौकरी है तो बड़े पद को संभालना भी उतना ही जोखिमपूर्ण होता है। नंबर चार, राजनीति में जाने की वजह से भी अधिकारियों ने छोड़ी नौकरी। कुछ आईएएस अफसरों ने इसलिए भी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें राजनीति में अपना करियर बनाना था। उदाहरण के लिए, साल 2019 में ऐसे बहुत से आईएएस अफसर थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें राजनीति में जाना था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आईएएस आईपीएस अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए विषय पर।